गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ये एक देखिएगा ब्रह्मांड का चित्र, इसमें ये एक ब्रह्मांड है, इसे पिंड भी कहते हैं, इसे अंड भी कहते हैं, इसी को पिंड, इसी को ब्रह्मांड और इसी को अंड भी कहते हैं। देखिएगा एक ब्रह्मांड, क्योंकि इसका एलिप्टिकल शेप है, इसलिए इसी को अंड अंडाकार भी कहा, पूरे के पूरे को अंड भी कहते हैं। और शरीर में हमारे अंदर चैनलों में इसी के अंदर हो रहे हैं सभी कार्यक्रम, इस शरीर पिंड में दिखाई देते हैं, इसलिए इसको पिंड भी कहा है। तो ये एक ब्रह्मांड है जिसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश ये केवल स्वर्गलोक पृथ्वीलोक और पाताल लोक पर एक एक विभाग के भगवान है, मालिक है, प्रभु है, स्वामी है। बस जैसे ये एक स्टेट समझो, स्टेट में ये काल ज्योत निरंजन यहाँ पर ब्रह्मलोक में रहता है, यहाँ से कंट्रोल करता है, ये तो मुख्यमंत्री समझो और ये तीनों मंत्री इसके एक ब्रह्मांड में। बस ये तो तीनों शाखा है, ये पुत्र है काल के, जैसे कल प्रमाण दिया था आपके सामने आया था। आप देखिएगा इस काल के ज्योत निरंजन के 21 ब्रह्मांड है, ज्योत निरंजन काल ब्रह्म के लोक 21 ब्रह्मांड का ये लघु चित्र। अब इसमें ये देखिएगा 20 ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड आपने देखा वो तो ये समझो, ये कोई सा भी जानो। इन ऐसे 5 ब्रह्मांडों को का एक ग्रुप बनाकर, एक समूह बना करके एक महाब्रह्मांड बना रखा है। ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांडों को रोक कर फिर चारों तरफ से फिर बंद किया हुआ है काल ने। आगे देखो ब्रह्म ने, और ये एक महाब्रह्मांड तुल ये सथाने में स्वयं ले रखा, इसमें नकली सतलोक, नकली अलकलोक और नकली अगमलोक और नकली अनामी लोक की रचना इस काल ने कर रखी है धोखा देने के लिए। अच्छा ये तो 21 ब्रह्मांड हुए ब्रह्म के ज्योत निरंजन के, और ये देखो पूर्ण व्यवस्था, ये तो ब्रह्म ज्योत निरंजन के 21 ब्रह्मांड, और इसमें इसके पुत्र शाखा एक एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु में से एक विभाग के भगवान है, मालिक है। और ये तो ब्रह्म, और ये परब्रह्म के 7 संख ब्रह्मांड है, नील पदम संख 7 मिलियन, और ये पूर्ण ब्रह्म अकाल मूर्त के असंख इन्फिनिटी, जिसमें इनके ऊपर भी प्रभु है, पर ब्रह्म के ऊपर भी, पर ब्रह्म के ऊपर भी है, पूर्ण ब्रह्म खुद मालिक है। और ऊपर यही परमेश्वर 3 और रोल करता है, अलग लोक में अलग पुरुष, अलग अगम लोक में अगम पुरुष, और यहां अनामी रूप में ये परमेश्वर इसी का अनामी लोक में यही रहता है। आप ये समझ में, आप गीता जी को देखिए, आप ये 4 श्लोक सुन के फिर आगे चलेंगे, गीता जी को फिर देखिए, अध्याय नंबर 5, 10 अध्याय पहला श्लोक, इसमें स्पष्ट कर दिया कि ऊपर को आदि पुरुष परमेश्वर जड़ है उस संसार रूपी वृक्ष की, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, और संसार के अविनाशी किसे अविनाशी कहते हैं संसार रूपी वृक्ष को, और वे जिसके पत्ते समझो कहे गए हैं, और उस संसार वृक्ष को जो संत, जो व्यक्ति मूल सहित यानी जड़ से लेकर नीचे तक तत्व से जानता सह वेदवित वो तत्वदर्शी संत। आगे देखो दूसरे में क्या कहा है कि उस संसार रूपी वृक्ष की, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी। अब ये और प्रमाण देने के लिए थोड़ा सा इसमें आपको और एक अनमोल शास्त्र दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पग पग पर प्रमाण की आवश्यकता पड़ेगी, और ये जो सीडी बन रही है ये हर समाज के पास जा रही है, और इनमें क्या होता है कि कोई तो कभी देख रहा होता है, कभी बेचारे का कभी उसको ऐसे कुदरती मालिक दया करते हैं, ऑन करता है फिर देखता है, और उसको इस समय में अगर ये प्रमाण नहीं मिला तो वो उसको ऐसे हो जाएगा जैसे कुनीन खाली, कहते ब्रह्मा विष्णु महेश टैनी के थोड़ी हो सकती है,
ये कौन से गुण थोड़े ही है, क्योंकि हमारा ज्ञान अभी बच्चों वाला है। अब देखिएगा, अथ देवी भागवतम सभास्तिकम स मातम खेमराज श्री प्रकाश श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई। इसमें हिंदी और संस्कृत दोनों है। अथ श्रीमद भगवत भागवते सभासा टीका युक्त, ये तीसरा सकंद तृतीय सकंद है प्रारंभ थे। इसमें भगवान शंकर स्वयं कहते हैं अपनी माँ दुर्गा को कि हे माता, ये सातवां श्लोक समाप्त हुआ, आठवां यहाँ से प्रारंभ होता है। हे माता, यदि हमारे ऊपर आप सदा दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, ब्रह्मा रजोगुण और हरि विष्णु को सतगुण क्यों गणा दिया। फिर देखो, हे माता यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण। अब संस्कार देखो, यदि दया धर्मना, इस सातवां समाप्त हुआ आठवां, न सदा अंबिके कथम अहम अहम मन में विहित बना दिया तमोगुण, मुझे तमोगुण क्यों बनाया, और कमल जय कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव रजोगुण क्यों बना दिया, और सुहित है कि मैं सतोगुण हरि विष्णु को आपने सतोगुण किस लिए बना दिया, यदि आप दयालु हो। क्योंकि तीनों भगवान ये बहुत ही दुखी है, एक शरीर बना रहा है, एक पाल रहा है, एक मार रहा है, और किसी का बेटा मरे किसी की बेटी मरे, एक लाख लगभग एक लाख परिवार आज खाना नहीं खाएंगे रात को इस वर्ल्ड के अंदर, ज्यादा बेसिक हो जा। और बाकी के बचे हुए हैं, परमात्मा कबीर साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख का है ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबी ना काल का कुछ मुख में कुछ गोद, कुछ खा लिए कुछ बाकी रह रहे हैं। अब ये सब निर्णय आपके सामने आ रहा। अब कहने का भाव यह है कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी, नो डाउट। अब चलेगी ये कथा इस परम पिता परमात्मा की। अब पंद्रहवें अध्याय का दूसरे श्लोक में लिखा है कि ये तीनों गुण रूपी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी, ये दूसरा श्लोक है। उस संसार वर्ष की तीनों गुण रूप रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी, ये जल से नहीं, ये इनकी अपनी सोच है। विषय पर वाला शाखा, विषय विकारों की शाखा है ये तीनों गुण रूप। नीचे और ऊपर सर्वत्र नहीं है, ये केवल ऊपर तीन लोक में, क्योंकि गीत इस पे पृथ्वी लोक पर तक ज्ञान बोला जा रहा है, ये स्वर्ग में और नीचे पाताल में तीनों में व्याप्त है, बस फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मों के बंधन में बांधने वाली भी यही है, ये मुख्य कारण है। और नीचे और ऊपर सभी लोक नहीं, केवल तीनों लोकों में, सभी तो इन्होंने अपने हिसाब से लिख दिया। चलो आगे देखो, तीसरे में स्पष्ट कर दिया काल ने कि जो मैं तुझे बता रहा हूं सृष्टि के बारे में, मैं भी अधूरी पधूरी जानता हूं, पूरा नहीं जानता। क्या लिखा है कि संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां तेरे और मेरे डिस्कशन में, इस गीता वाले ज्ञान में, विचार काल में नहीं है, क्योंकि मैं नहीं बता पाऊंगा तुझे, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है, न इसकी कोई अच्छी प्रकार से तिथि है। इसलिए इस सुविरड मूलम यानी अति दृढ़ मूल वाले यानी सतलोक, तो अति दृढ़ कभी विनाश नहीं आता, शाश्वत स्थान रूपी, तो समझो वो सतलोक जड़ है, और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अब देखो दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र द्वारा काट के, कोई सच्चा ज्ञान बजर होगा ना, बजर तोड़ता चला सब कुछ को, कहते उस ज्ञान से, सत ज्ञान रूपी हथियार से समझा जाएगा, काटा जाएगा, तो घनी गुत्थी उलझगी, इसका ये अर्थ बनता है। अब वो ये हथियार आपके सामने आ गया, इतना सोचो। अब देखो, अब चौथे में बता दिया कि तेरे भाग उदय हो जाए अर्जुन, कोई ऐसा तत्वदर्शी संत तुझे मिल जा, ये पूरी व्याख्या करने वाला। फिर उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को, ओए होए, उस परम पिता को, पूर्ण ब्रह्म को बली बाती खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए साधक फिर लौट के जन्म मरण में नहीं आते, संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की, जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वर्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और मैं भी उसी परमात्मा की शरण हूं, ये गीता बोलने वाला भगवान कहता है, मेरा भी सुप्रीम बोस वही है, मैं भी उसी की शरण हूं, उसी आदि पुरुष नारायण के जो मूल रूपी भगवान है उसकी शरण में हूं, उस परमात्मा की, पूरा निश्चय करके भाई फिर अर्जुन उसकी भक्ति करनी चाहिए और की नहीं।
इति सितम। अब यही पवित्र बाइबल और यही पवित्र कुरान शरीफ और यही पवित्र गीता जी, गीता उर्फ चारों वेद उर्फ गीता, ऐसा जानो, उन चारों वेदों का सार है ये। इसमें संकेत ज्यादा है और वेदों के अंदर परमात्मा का नाम भी लिखा है। अब आपके सामने बताते हैं चारों। अब रह गया दो धर्म, पवित्र धर्म रहे हिंदू और सिख। पहले इन पवित्र शास्त्र वेदों को, वैसे तो ये सभी हमारे सबके साजने शास्त्र है सारे के सारे, हम तो वैसे एक दूसरे के फीत लाकर बैठ गए। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर ये जब गुरु ग्रंथ साहिब बना था ना, जब ना कोई किसी मजहब से संबंध नहीं था इसका, वो निर्मल व्याख्या की थी जो वेदों में है, जो की तो इसके अंदर है, पढ़ कर देखो इस वाणी को प्रेम पूर्वक। लेकिन अब वर्तमान में जो इसके अनुवाद करने वाले हैं ना, इनको पढ़ पढ़ सुनाने वाले, उनको क्या आएगा नहीं मेरा, उनको ज्ञान ही नहीं वो पवित्र शास्त्र संकेत क्या कर रहा है। इसी प्रकार गीता के पाठकों को आप नहीं मानो इसमें लिखा क्या था, अनर्थ कर रख रखा, इसलिए सब समाज गुमराह हो रहा है। अब आपको चारों वेदों में दिखाते हैं परमात्मा कैसा है, आकार है व निराकार। और वेद वो शास्त्र है पुरातन जिसमें एक अक्षर भी गलत नहीं है, लेकिन समझने वालों की त्रुटि वो अपनी कमजोरी है। अब वर्तमान में वेदों का अनुवाद जिन्होंने किया है उसमें सबसे पहला नंबर महर्षि दयानंद जी का आता है, अब कलयुग के अंदर टीकाकारों में इसका अनुवाद भाषा भाषा करने वालों में। और उस महापुरुष ने अपने वेदों को कम पढ़ा और अन्य शास्त्रों को अधिक पढ़कर फिर एक सत्यार्थ प्रकाश की रचना कर दी पूरे जीवन में। उस सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने अपनी सोच से वही लिख दिया कि परमात्मा निराकार है, उसका कोई आकार शरीर नहीं है। और फिर उन्होंने जो लास्ट के चार पांच वर्षों में वेदों का अनुवाद करना शुरू किया, उनमें लिखा मिल गया कि वो परमात्मा सह शरीर है। उस अपने सत्यार्थ प्रकाश को सही रखने के लिए उसमें उसको अपने हिसाब से उसको तोड़ो मोड़ दिया, उन अर्थों का वो वास्तविक अर्थ नहीं किया। आपके सामने प्रमाण देता हूं। अब देखो ये ऐसे बुरा नहीं मानना चाहिए किसी ने कि हम किसी की निंदा करते हैं, निंदा नहीं करता दास कति भी, ना कोई शौक मुझे। और मैं ये कहता हूं परमात्मा निंदा करने से पहले अजीब कट जा अच्छा है। अब देखो पीछे 500 का नोट नकदी चला था है, किसी नीच आत्मा ने बना लिया और उसमें ना जाने कितने लोग धोखा खाते। गवर्नमेंट ने दोनों दिखा दिए, असली भी नकली भी, देख लो असली वास्तविक इसमें ये है और डुप्लीकेट ऐसा है, ओरिजिनल ऐसा है। तो क्या सरकार निंदा करे थी आपकी? नहीं, आपके हक में कह रही थी कि जो धोखा खा चुके सो खा चुके, बाकी तो बच जा। अब ये दास सिर्फ इतना ही कर रहा है, अपनी तरफ से कुछ नहीं मिला रहा। मैं ये दिखा रहा हूँ कि पवित्र शास्त्र अपने पवित्र धर्मों के ये बतावें और ये संत ये बतावें। अब आप देख लेना असली और नकली कौन सा है। अब इन्होंने जब सत्यार्थ प्रकाश को प्रारंभ किया, इन्होंने विशेष व्याख्या की है कि परमात्मा के नाम, वैसे तो अग्नि माने सीधा सबको मालूम है, आग होती है, हम बच्चा भी बता दे अग्नि माने आग। वैसे जब धार्मिक शास्त्रों में कोई शब्द आता है ऐसा, तो उसका कोई विशेष अर्थ होता है और उसको संत महात्मा ही उसका भावार्थ बताया करते हैं। इन्होंने विशेष कर यही किया है कि जहां अग्नि शब्द है उस वेद में, वो विशेष कर परमात्मा की तरफ संकेत है, अपनी थ्योरी में बिल्कुल ऐसा लिखा है। और ये संत ही ऋषि बताते हैं इन बातों को। अब देखिए ये सत्यार्थ प्रकाश, ये महर्षि दयानंद सरस्वती विरचित, स्वामी विरचित वैदिक पुस्तकालय दयानंद आश्रम केसरगंज अजमेर में इसका प्रकाशन है। यहां भी देखिए सत्यार्थ प्रकाश है, नीचे देखिए वैदिक पुस्तकालय दयानंद आश्रम केसरगंज अजमेर से। इसमें प्रथम समुल्लास में, ये प्रथम समुल्लास में सत्यार्थ प्रकाश प्रारंभ होता है। यहां देखिए ओम, जो ओंकार है वह परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है, क्योंकि उसमें ए ऊ और मैं तीन आकार मिलते। ओम समुदाय हुआ और ओम समुदाय हुआ, इस प्रकार परमेश्वर के बहुत नाम आते हैं, जैसे आकार से विराट और अग्नि। विराट भी भगवान का रूप है और नाम है,
और अग्नि भी प्रभु का नाम है आदि आदि। आगे देखो, फिर यहां देखिए, इसमें सबसे बड़ा होने से परमेश्वर का नाम ब्रह्म है। इन्होंने ब्रह्म को पूर्ण ब्रह्म मान रखा आज तक के ऋषियों ने। आगे देखो, फिर इसमें क्या लिखा है कि जो यहां लो, ये तीसरे पर अग्नि शब्द के बारे में विशेष व्याख्या करते हुए कहते हैं, अग अगि अण गतार्थक धातु है, इनसे अग्नि शब्द सिद्ध होता है जो ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ जानने प्राप्ति होने और पूजा होने योग्य है। इससे परमेश्वर का नाम ऊपर देखिए, इसी के ऊपर लाइए, यहां देखो ये है 21 नंबर, इसलिए परमेश्वर का नाम ये 22 नंबर पे अग्नि है। यानी जहां वेदों में आता है उसके लिए भूमिका बनाई है कि जो अग्नि नाम है ये परमेश्वर का बोधक है। इसके बाद इन्होंने जब ऋग्वेद का टीका सरा प्रारंभ किया, अनुवाद शुरू किया, एक विशेष टिप्पणी की है प्रथम ही मंत्र में कि जहां अग्नि शब्द वेद में मिला विशेष समझना उसको, परमेश्वर उसका नाम है और भौतिक अग्नि तो सभी को मालूम है, अग माने अग्नि होता है, तो वो सेंटेंस बताएगा, वो सरल मंत्र बताएगा, उसकी सेंस बताएगी यहां किस पर ये लागू होता है। अब देखिएगा, प्रथम मंडल ऋग्वेद प्रथम मंडल महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा ही ये टीका है, भाषावाच्य है। और ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाश कार्य सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दयानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली। और बिल्कुल प्रारंभ में ही फर्स्ट पहले ही मंत्र में ये अग्नि शब्द से प्रारंभ होता, अथ ऋग्वेद भाषावाच्यम प्रथम मंडल प्रथम सूक्त पहला ही अध्याय और पहला ही मंत्र अग्नि मिले। अब इसका क्या अर्थ किया, नीचे जाओ कि यहां अग्नि शब्द के दो अर्थ करने में प्रमाण है। इंद्र मित्रम इस ऋग्वेद वेद के मंत्र से जाना जाता है कि एक सद ब्रह्म, ये भी सोचना सद ब्रह्म का अर्थ होता सच्चा भगवान, हम उसे सत्साहेब सतपुरुष कह दे, यानी सद ब्रह्म है तो कोई झूठा ब्रह्म भी है, दो तो हो गए ना, जिसके साथ सद लगा है तो कोई पूर्ण है तो अपूर्ण भी है उसका। सद ब्रह्म इंद्र आदि अनेक नाम है तथा इलक्षण वाले ब्रह्म को जानना चाहिए। आगे देखिए, इत्यादि सतपद ब्राह्मण के प्रमाणों से अग्नि शब्द ब्रह्म और आत्मा इन दो अर्थों का वाची है। सीधा कर दिया कि अग्नि शब्द ब्रह्म और आत्मा, परमात्मा और आत्मा, इन दो अर्थों का वाची है। आगे देखो, इस कारण अग्नि शब्द के प्रजा शब्द आदि करके भौतिक और प्रजापति शब्द से ईश्वर का ग्रहण होता है, अग्नि का वैसे ईश्वर का ग्रहण होता है। आगे देखो, यह जो व्रत का पति वह परमेश्वर है, अग्नि शब्द करके, यह देखो इस ऋग्वेद के प्रमाण से ज्ञान वाले तथा सर्वज्ञ प्रकाश करने वाले विशेषण से अग्नि शब्द से करके ईश्वर का ग्रहण होता है, अग्नि माने ईश्वर होता है, ये स्पष्ट कर दिया। और स्वयं भी इसका टीका करते समय महापुरुष ने ये देखो अग्नि माने, यहां देखिए इधर, अग्नि माने ईश्वर, अग्नि शब्द ईश्वर, अग्नि यहां देखो अग्नि माने हे परमेश्वर। अब ये देखिए प्रश्न नंबर 5 पे, अग्नि माने ईश्वर, या देखो अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि अंगीरा से अग्नि माने परमेश्वर, और फिर देखो अग्नि माने परमेश्वर, ना जाने कितनी बार ये हर प्रश्न पे आगे, और नीचे देखो अग्नि माने परमेश्वर। अब फिर देखिए इसके इन्हों की इंस्ट्रक्शन मानकर इन्होंने जो आदेश दिया है, महर्षि जी ने जो संकेत किया है, क्योंकि ये तो आधा ऋग्वेद और एक यजुर्वेद को सरलार्थ करने के बाद इनका देहांत हो गया,
उसके बाद आर्य भाषा भाषा करने वाले विद्वानों ने इन्हीं के संकेत को मुख्य रखकर और श्याम वेद का सरलार्थ किया। उसमें देखिएगा ये यजुर्वेद और सामवेद दोनों इकट्ठे जल्द कर रखा है और ये कहां से प्रकाशित है ये देखिएगा। दानंद संस्थान, वेद मंदिर, महात्मा वेद भिक्षुक सेवा आश्रम, मुखमेलपुर दिल्ली। और इसमें सामवेद का जो टीका प्रारंभ होता है वहां से आपको दिखाते हैं, ये देखिए। पहले ही श्लोक से प्रारंभ होता है, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने ईश्वर का, अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर। ढेर सारे प्रमाण आपके सामने, अग्नि माने हे परमेश्वर ईश्वर, अग्नि माने हे ईश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, अग्नि माने हे परमेश्वर, आदि आदि अग्नि माने हे परमेश्वर, और भी बहुत से। अब दास ने जब ये देखा, क्योंकि वेदों का सरलार्थ कुछ आंशिक देखना चाहा कि शायद इन पवित्र शास्त्रों में अगर प्रमाण मिल जाए, वैसे तो अपने भगवान की वाणी पर हमने पूरा विश्वास था, क्योंकि कबीर साहब ने, वो पूर्ण परमात्मा ने अपनी महिमा बताई आके। उसके बाद जिन महापुरुषों को वो मिले, जैसे आदरणीय श्री धर्मदास जी को, आदरणीय श्री गरीबदास जी को, आदरणीय श्री दादू साहब को, आदरणीय श्री मुलकदास को, आदरणीय गुरु नानक देव जी को, और इन महापुरुषों की जब वाणी पढ़ी तो उस परमेश्वर ने जो स्वयं आकर बताया, इन सब की ज्यों की तो मिली कि वो परमात्मा मनुष्य जैसा है, वो सतपुरुष है, वो सतलोक में रहता है और जब चाहे यहां भी आ जाता है, और वो काशी में धानक जुलाहा बनकर वो आया था। इन महापुरुषों ने ये भी बताया। फिर दास ने सोचा कि क्योंकि इसी सत्कार प्रकाश में महर्षि दयानंद ने कबीर परमात्मा की वाणी को और गुरु नानक देव जी की वाणी को मूर्खों की लिख दिया, क्योंकि आम व्यक्ति ने इन महापुरुषों को कदर नहीं दी, क्योंकि हम इन पढ़े लिखे विद्वानों के चक्कर में रह गए थे और इनको आप ज्ञान नहीं था, तुम कह क्या रहे हो, और जिन्होंने प्रत्यक्ष देखा परमेश्वर को उनकी हमने सुनी नहीं। अब दास ने एक अर्ज करी, परमात्मा अगर इन पवित्र शास्त्रों में भी ये प्रमाण मिल जाए आपके, ये बच्चे आपको समझ सकते, नहीं तो इनको बहुत अंधेरा कर रखा है। ऐसे फिर देखा ये पवित्र शास्त्रों को उठा उठा के, परमात्मा इस अनमोल सरोवर में, अमृत सरोवर के अंदर तो ये सारा खजाना भरा पड़ा था जो पहले उन्होंने आप आपको बताया। अब देखिएगा, अग्नि माने परमेश्वर, यजुर्वेद दिखाता हूं उसमें कितना प्रमाण दिया है। अब इस महापुरुष के सामने यजुर्वेद महर्षि दयानंद जी ने अनुवाद किया है इसका पूरा। अब इनके सामने समस्या आ गई कि समाज के पास सत्कार प्रकाश पहुंच गया, 40 साल से पढ़ रहे दुनिया, और अब इस सत्कार इस वेद में अगर लिख दो परमात्मा सह शरीर है तो दुनिया जो है तेरी एक नहीं सुने। अब ये बेचारा फंस गया और फिर इन्होंने अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ने की चेष्टा की, ऐसा लग रहा है। देखिएगा इन्हीं के द्वारा टीका, अग्नि शब्द जहां आएगा ये देखिएगा, ये कहां से प्रकाशित है। प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और ये कहां से शुरू होता है, ये यहां से प्रारंभ होता है। अब यजुर्वेद भाषा भाष्य, अब ये चलते चलते कहां आते हैं नीचे देखिएगा, इसमें भी इन्होंने विशेष वर्णन दिया है, ये कहां से शुरू हुआ, कब हुआ, और फिर यहां देखो। अब हम इसको 15वें, इसके प्रथम अध्याय के 15वें श्लोक पर ले चलते हैं, प्रथमो अध्याय यजुर्वेद, या देखिए इसमें लिखा है, अग्ने तनु असि, अग्ने माने परमेश्वर, तनु माने सह शरीर, असि माने है, परमात्मा सह शरीर है। अब ये स्वामी जी यहां विचलित हो गए, इन्होंने 10-11 शब्दों का अर्थ छोड़ दिया, ऐसा लग रहा है शायद जानबूझ करके, मैंने तो वेदों को पढ़ा है क्योंकि उन्होंने मोटे मोटे पढ़े और ये सामने उस समय नहीं आया, तो इसलिए उन्होंने इन 12 शब्दों का अर्थ त्याग दिया। आप देखिएगा कहीं भी ये ब्रैकेट में अग्नि शब्द
ये ब्रैकेट में संस्कृत है, फिर इनका हिंदी क्या है, कहीं पर भी अग्नि शब्द नहीं है, कहीं पर भी अग्नि शब्द नहीं है और ना तनु शब्द है, ये संस्कृत ब्रैकेट में है इनकी। अब इनका 11 शब्दों का अर्थ त्याग दिया, अग्नि तरुणसी 3, वाचो विसर्जन, ये देवितो हविष्य हविष्कृत, 124 साल हो गए इसको, इसको छपते छपते ना अभी तक इसको करेक्ट नहीं कर पाए। आगे देखिए, अब इसमें क्योंकि अग्नि माने परमेश्वर का, ये स्वयं अग्नि माने परमेश्वर इसमें भी लिख रहे हैं और अग्नि माने परमेश्वर 18 में भी लिखा है मैंने, अग्नि माने परमेश्वर। अब ये पांचवें अध्याय के प्रथम श्लोक में फिर इकट्ठा दो बार आ गया, जैसे पवित्र बाइबल में आपने देखा कि परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया, परमात्मा ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप दिया, और 3 बार लिखा पवित्र, ऐसे ही पांचवें अध्याय के प्रथम श्लोक में 2 बार इकट्ठा ही लिखा है। पंचवा अध्याय आरंभ, अग्नि तनुरसी ज्यो का त्यों परमात्मा स शरीर है, और विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी, विष्णुवे माने सर्व पालन करता सर्वव्यापक परमेश्वर स्वयं, सोमस्य माने उस अमर पुरुष का सतपुरुष का, तनु माने शरीर, असी माने है। अब सोम माने ये स्वयं लिखते हैं, सोम माने आप देखिए ये यहां पीछे देखिए, पहले चौथे अध्याय के 16वें श्लोक में ये देखो, ये चौथे अध्याय का ये 16वां श्लोक मंत्र है, सोम माने ऐश्वर्य देने वाले, अग्नि माने परमेश्वर, सोम का भी अर्थ है अग्नि माने जगदीश्वर भी, और फिर देखिए सोम माने परमेश्वर ये स्वयं लिखते हैं। पांचवें अध्याय के 35वें श्लोक में लिखा है सोम माने, ये इधर देखो 35वां श्लोक, सोम माने ऐश्वर्य देने वाले जगदीश्वर, और इसके यहां क्या आ गया, सोमस्य यानी ईश्वर का सर्वव्यापक सारी सृष्टि का रचन हर स्वयं, तो माने वो आप, सोमस्य माने उस परमेश्वर का, तनु माने श्री रसी माने है। अब और दिखाऊंगा आपको, सोम माने परमात्मा होता है, ये परमेश्वर के शक्ति बोधक और उपमात्मक शब्द है। इसके साथ साथ देखिए यही इसमें भी सोम माने अर्थ को सैकड़ों बार लिखा है, ऋग्वेद भाषा भाषा महर्षि दानंद सरस्वती, और ये कहां से प्रकाशित है, सर्वदेशी आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, फोन नंबर इतना, नई दिल्ली। इसमें कम से कम सैकड़ों स्थानों पर सोम माने परमेश्वर, सोम माने परमेश्वर, जिसकी गिनती नहीं हो सकती, मतलब थोड़े ही दिखा दो, ज्यादा की जरूरत नहीं है, इसमें सैकड़ों के स्थान पर लिखा है सोम माने परमात्मा। नीचे देखो, देखो विराजमान है, ये निराकार भी बताते हैं, विराजमान है तो कहीं बैठा है। आगे देखो, सोम माने परमात्मन, आगे देखो सोम माने परमात्मा, इसमें कम से कम सैकड़ों स्थानों पर ऐसा लिखा है सोम माने परमेश्वर, सोम माने परमेश्वर, बिना गिनती के। अब कहने का भाव ये है दास का, कि दास ने तो ये देखा कि मेरे अगर मैं टीका करूंगा तो कोई नहीं माने, लेकिन ये कहेंगे इसने महापुरुष हो गए, इसे महर्षि, उन्होंने ठीक किया होगा। अब दास ने इन्हीं के टीकाओं को इन्हीं से कंपेयर कर दिया और आपके सामने सत्य आएगी, आपको शंका इतनी नहीं रहेगी। अब क्या है कि परमात्मा सह शरीर है और वो मानव सदृश है, उसका नाम कबीर है, इसी पांचवें अध्याय के 32वें श्लोक में आपको दिखाता हूं, और इन्होंने कैसा सरलार्थ किया ये भी देख लीजिए, यही वही यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 का, ये महर्षि दानंद जी द्वारा भाषावास है, पहला श्लोक देखो, इन्होंने क्या सरलार्थ किया है, वही अग्नि तनुरसी विष्णुवेत्वा सोमस्य तनुरसी, ये देखिए, हे मनुष्य तुम लोग जैसे मैं जो हवि, अग्नि माने यहां बिजली लिख दिया,
सिर्फ अपनी जो सत्यार प्रकाश को सत रखने के लिए अग्नि माने बिजली प्रसिद्ध, बिजली प्रसिद्ध रूप अग्नि के तो शरीर बता दिया, शरीर के समान असी माने है। देखो तनु माने शरीर, ये स्वयं लिखते हैं, असी माने है और अग्नि माने अपना परमेश्वर, देख ही लिया अग्नि माने परमेश्वर, तनु माने सह शरीर, असी माने है, दूसरी बात है कोई ना। और विष्णुवेतवा, विष्णु माने सर्व पालन करता परमेश्वर का, वो सर्व पालन करता सर्वव्यापक परमात्मा पुरुष, सोम माने अमर पुरुष, उस अमर पुरुष का सतपुरुष का तनु माने शरीर असी माने है। और वो कौन है? आप देखो वेदों को कौन बोल रहा है? ब्रह्म बोल रहा है। स्वयं महर्षि दांत कहते हैं कि चार ऋषियों में एक एक में प्रवेश करके इस काल ने ब्रह्म ने बोले, जैसे गीता श्री कृष्ण में पढ़कर प्रवेश करके बोली। तो ये बोलने वाला क्या कह रहा है? देखो ये बोलने वाला यहां तो कह रहा है कि हे क्या बता, हे मनुष्यो तुम लोग जैसे मैं, ये काल बोल रहा है ना, जैसे मैं यानी वेद बोलने वाला। और 32 में देखो ना, इसके 32वें श्लोक में 5वें अध्याय के 32वें मंत्र में यही वेद बोलने वाला कह रहा है कि वो परमात्मा तो उसका नाम कबीर है, वो तो सतलोक में रहता है। ये देखो यजुर्वेद 5वां अध्याय यजुर्वेद, और नीचे देखो ये 32वां मंत्र, उसी गसी वो कबीर, हम उसे कबीर कहने लगे, जैसे पंजाबी में हमारा यह क्षेत्र कुछ पंजाबी फुट ज्यादा है, और इसको वै को हम वै को वै बोलते हैं, वेदों को भी हम वेद कहते हैं। अब ये कबीर है, उसी गसी जो जैसे गीता जी के 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा ना, उसकी कृपा से परम शांति को प्राप्त होगा, जो परम शांति दायक है वो बोलने वाला भगवान कह रहा है, वेद बोलने वाला वो कबीर अंगारी असी, अंगहारी माने पाप कर्मों को काटने वाला पाप विनाशक, वो कबीर है उसका नाम। और बमबारी, बमबारी माने बंधनों का शत्रु। यहां देखो इन्होंने क्या किया, हे जगदीश्वर जिस कारण आप, अब वेद बोलने वाला भगवान कह रहा है ना, किसी दूसरे भगवान की तरफ संकेत है, वहां तो अपने लिए कह रहा था, अब किसी दूसरे के लिए कह रहा है, आप उसी के माने कांतिमान असी माने है। और अंगारी माने इन्होंने खोटे चलन वाले जीवों के शत्रु रख दिया, क्योंकि इन्होंने सत्यार प्रकाश में किसी ने प्रश्न किया कि क्या वो परमात्मा पाप कर्म काट सकता है, ये कहते नहीं कभी नहीं काट सकता, वेदों में कहीं प्रमाण नहीं, और वेद बताओ वो पाप काटता है, 25 प्रमाण दूंगा आपको, आने आएगा जब समय उसका सही विवरण चलेगा, अब तो संकेत बता रहा हूं। अंगारी माने पाप कर्म, ये पाप कर्म काटने वाला, इन्होंने खोटे चलनों का शत्रु, अंग माने पाप, अरी माने शत्रु दुश्मन, पापों का विनाशक उनका दुश्मन, और बमबारी माने बंधन शत्रु, बमबारी माने बंधनों का, काल के बंधन में हम कर्मों के बंधन में बंध रहे हैं, उन बंधनों को काटने वाला उनका शत्रु समाप्त करने वाला वो कौन है? वो कबीर असी, यहां देखो कबीर। इन्होंने क्या कर दिया, यहां कवि कबीर ऐसे लिख कर अपसर्ग लगा दी, जबकि ऊपर सफर रह लगा है, जब यहां कोई रह लगाया है इसका कोई विशेष तात्पर्य जरूर होगा, ना तो रह लगाने की यहां जरूरत क्या थी, यहां भी कवि लिख देते सीधे, इन्होंने इसका अर्थ कर दिया कांत पर जय। चलो यहां अगर लिख देते वो कबीर है, बस सारा झंझट मिट जाता, जैसे कुरान शरीफ में अर्थ कबीर का बड़ा कर दिया, अब कुछ तो अर्थ किसी वाक्य का होगा ही होगा। आगे देखो वो कहां रहता है, सतधाम में, सतलोक रत धामा, सतलोक वाला, सतलोक में रहने वाला, सतधाम युक्त है, सत धाम कहो, शाश्वत स्थान कहो, सनातन परम धाम कहो, चाहे सत धाम कहो, चाहे सचखंड कहो, चाहे सतलोक कहो, वो सतलोक में रहता है। और स्वर ज्योति वो स्वयं प्रकाशित है, उसका शरीर ही प्रकाशमान है, वो स्वयं उसी के प्रकाश निकल रहा है। वैसे तो इसमें ढेर सारे प्रमाण है, कबीर साहब का नाम स्पेशल लिखा है, वो कबीर है, और चारों वेदों में खचाखच नाम भरे हैं, कबीर परमेश्वर है, सारी सृष्टि का रचनहार है, वो कुल मालिक है। अब आपके सामने प्रमाण हुआ, अब तीन पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्र निर्णय हो गया कि परमात्मा सह शरीर है, मनुष्य जैसा है, और वो उसका नाम कबीर है। अब ये बाकी रह गया कि जो काशी में आया था जुलाब बनकर धानक बनकर, क्या वही है क्या ये? अब ये बात फिर समझ में नहीं आवा, क्योंकि हमने परमात्मा की जो व्याख्या कुछ और सुन रखी है, अब ये भी आवागी क्योंकि पिछली कहानी भी हमने सुन सुन के हमारे हृदय में जची है, इसको भी कुछ ज्यादा सुनेंगे तो ये भी समझ में आ जाएगी। आप पवित्र धर्म सिख धर्म की कहानी आपको सुनाते हैं, सिख धर्म के कहते हैं ना
एक एक हस्ती की पैड़ में सब जीवों की पैड़े और सार शब्द जी ने बिना ये दुनिया घाले खेड़े। एक हाथी के पैर में सब प्राणियों की पैर की यानी पैर आ जाते, यानी उसमें एक ही को ले लिया हमने, उसके कहानी सुन ली तो सब समावेश हो जाते। ऐसे सबसे पहले सिख धर्म के यानी हाथी यानी सर्वोपरि सबसे श्रेष्ठ महापुरुष गुरु नानक देव जी को ले लेंगे, तो उन्होंने जो कहा फाइनल है, बस वो सबके लिए समावेश यानी सबके लिए स्वीकार्य। गुरु नानक देव जी कौन थे? गुरु नानक देव जी सतयुग में ये प्यारी आत्मा राजा अमरीश थे। अब इससे ये भी सिद्ध होगा कि हमारे पूर्वज अलग नहीं है, हम एक पिता के संतान है, हम एक ही भगवान के बच्चे हैं। राजा अमरीश थे ये, और इतने महापुरुष थे, इतनी साधना की थी भगवान विष्णु की कि दुर्वासा जैसी तोब जो सिद्धि के बड़े महापुरुष माने जाते थे इस पुण्यात्मा के सामने नाक रगड़ा था। इनकी सदभक्ति देख करके विष्णु जी की तो इसके सामने नाक रगड़ा था। किसने? दुर्वासा जी ने, जिसके एक वचन से। अब राजा अम्बरीश अपनी सदभक्ति करके जैसा उनको जैसे गुरुदेव मिले ऐसी साधना करते रहे, कहां पहुंचे? विष्णु लोक में। और विष्णु जी के लोक में अपनी पुण्य कमाई खाकर ये प्यारी आत्मा फिर क्या बने? ये राजा जनक हुए। राजा जनक जो सीता जी के पिताजी कहलाए, और राजा जनक इतनी अच्छी पुण्य आत्मा थी, उन्होंने इतनी अच्छी भक्ति की थी विष्णु जी की के सुखदेव नाम के एक महापुरुष हुए जो अपनी सिद्धि से तीनों लोकों में उड़कर चले जाते थे। एक दिन भगवान विष्णु ने कहा कि भाई विष्णु जी के लोक में पहुंच गए वो आकाश में उड़कर, तो वहां से उनको रिजेक्ट कर दिया कि तेरा गुरु नहीं है, वापस चाहिए और कोई गुरु बना करके अपनी सदभक्ति करके कमाई करके फिर यहां आ सकते हो। तब विष्णु जी ने कहा था कि राजा जनक को गुरु बनाओ। अब उस समय वो एक बाल ब्रह्मचारी अपने आप को बड़े योगी मान रहे थे, तो मन में बड़ी चिंता हुई कि मैं एक महर्षि और एक गृहस्थी का आशीष निभाऊं, बड़ी बात बिगड़ गई। ये लंबी कथा फिर बताऊंगा। आखिर में उसने सबसे सलाह ली, सबने यही कहा जो भगवान ने सलाह दे दी, नादान तू कहां भटक रहा है, चरणों में शीश टेक दे उस महापुरुष के जाकर, किसके? राजा जनक के। तो सुखदेव ऋषि ने राजा जनक से उपदेश लिया और फिर ये प्यारी आत्मा राजा जनक विमान में बैठ कर विष्णु लोक को प्रस्थान किया। अब इस काल का जाल दिखाता हूं आपको कितना भयंकर है ये, कैसे धोखा दे इस प्राणी को। अब इस प्यारी आत्मा राजा जनक का विमान एक नरक के साथ से गुजार निकलवा दिया, और वहां उस नरक में 12 करोड़ आत्माएं अपना कर्म दंड भोग रही थी, हाहाकार मच रहा था। राजा जनक क्योंकि भक्त आत्मा दयालु होते, उन्होंने कहा भी जो पारखक थे यानी विमान चालक थे साथ में जो लेने आए थे आदर के साथ, उनको उनसे पूछा भी ये कैसी हाहाकार मची है, इस ऊपर के लोकों में भी ऐसा क्यों हाल हो रहा है। उन्होंने बताया कि राजन यहाँ पर एक नरक है और उसमें अपना किए का दंड सब प्राणी को भरे। उन्हें कहा मेरा विमान रोको, ये कहे विमान रोक दिया और कहा कि 12 करोड़ आत्माओं को छोड़ दो, छुड़वा दो, कह दो उनको छोड़ दे। वो पार्थक कहने लगे, वो साथ जाने वाले प्यारी भगवान के दूत कहने लगे, राजन आप यहाँ राजा नहीं हो, या आपका हुक्म नहीं चलेगा, यहाँ तो धर्मराज का हुक्म चलेगा और उससे बात करनी पड़ेगी। कहने लगे धर्मराज से मेरी बात कराओ। और दूतों ने धर्मराज से टेलीफोन मिलाया नहीं, वहां का जो आत्मा का हिस्सा उनसे मेल होता है, अंदर समाधिस्थ होकर हम बात कर सकते हैं जैसे आजकल मोबाइल फोन है। तो धर्मराज से सारी बात हुई, वो कहने लगा भी उनको कहो यहाँ आ जाएं, ये तो ये इन्होंने कर्म अपने भोगने पड़ेंगे। कहने लगे जी वो जिद पकड़ गए, नहीं मान रही। तो धर्मराज आता है और कहने लगा कि राजन आप चलो अपने लोक में, आप चलो मेरे पास, आपका बताऊंगा कितने समय आपने विष्णु लोक में आपका स्वर्ग सथल है, आप जाइए वहां पर। वो कहने लगे नहीं मैं नहीं जाऊंगा, पहले इनको छोड़ो, मेरे से देखा नहीं जाता इनकी हालत। धर्मराज ने कहा ये प्रभु का अटल नियम है, जो जैसे कर्म करेगा भोगना पड़ेगा, मेरे बस से बाहर है राजन। हाँ एक कारण हो सके, आप अपने कुछ पुण्य दे दो इनको, फिर मैं छोड़ सकता हूँ। तो वो कहने लगा मुझे मंजूर है। राजा जनक ने आगे पुण्य संकल्प कर दिया 12 करोड़ आत्माओं के लिए सारे जीवन की। अब वो 12 करोड़ आत्मा नरक से निकाल के और स्वर्ग भेज दी।
और जब तक राजा जनक के द्वारा दिए हुए फल उनके साथ रहेंगे तब तक तो वो स्वर्ग में, और फिर उन्हीं कर्मों को भोगने के लिए फिर नरक में ठोके जाएंगे। ये यहाँ का पक्का नियम है। अब देखो उधर तो वो प्यारी आत्मा आधी खाली कर दी, आधे पुण्य लूट लिए इसके, और फिर वही प्यारी आत्मा राजा जनक गुरु नानक देव जी के रूप में और फिर श्री कालू राम मेहता खत्री अरोड़ा के घर पर उस प्यारी आत्मा का जन्म हुआ। बचपन से क्योंकि पिछली कसक साधना युगों युगों की अंदर है, प्रभु की तरफ में बेचैन रहते हैं, उनका संसार में मन नहीं लगता, जिनके पिछले पुण्य संस्कार अधिक होते हैं। तो उन्होंने क्या किया, बचपन से अपनी कई ऐसे कारनामे दिखाए, अपनी दोहना परिचय दिया। बहुत लंबी कहानी है, मैं सिर्फ इस संकेत में आता हूँ। महापुरुषों के जीवन चरित्र आपने बहुत सुन रखे हैं। ये बचपन में गीता पढ़ा करते थे, गीता, और ब्रजलाल नाम के पांडे ने महापुरुषों को गीता, जैसे पहले हिंदू थे हिंदू धर्म में गीता को मुख्य रख करके सब जैसा जैसा समझा गुरुओं ने, हम सब ने ऐसा ही समझ रखा था। तो भगवान श्री कृष्ण को सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर मानते थे गुरु नानक देव जी, और इसी को फिर आखिर में आज किसी से बात कर लो आप जब तक ये ज्ञान नहीं सुना हो ना हिंदू ने, कहते आप किसके पुजारी हो, भगवान शिव के, और परमात्मा कैसा हो तो निराकार है, वो तो निराकार है, यानी सबकी थ्योरी ऐसी है। तो गुरु नानक देव जी भी, क्योंकि उसमें लिखा कि वो एक ओंकार है तू ही एक निरंकार है, अब यहां तक सीमित थे। और वो उनकी बहन ब्याही हुई थी एक सुल्तानपुर नगर में, तो गुरु नानक देव जी भी वहां सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ मोदी खाने में नौकरी करने करा करते थे, नौकरी करते थे, और उनके जीजा जी ने उनकी नौकरी लगवाई थी। गुरु नानक देव जी सुबह सुबह स्नान करने के लिए बेई नदी पर जाते थे प्रतिदिन, और वहां बैठकर घंटों ईश्वर चिंतन में अपना मस्त रहते थे। एक दिन वो पूर्ण परमात्मा के काशी में आए हुए थे, वो सतपुरुष कबीर साहब धानक के रूप में काम कर रहे थे, अपनी ऐसी प्यारी आत्माओं को वो ढूंढते फिरते। आकर के बेई नदी के किनारे सुबह सुबह जब वो नहाने के लिए पहुंचे तो कबीर परमात्मा एक जिंदा महात्मा का रूप बना के, जिंदा महात्मा मुसलमानों में होते हैं, ऊपर काला सा चोट टोप लंबे चोटे का, और एक ओवर कोट काला ही घुटनों के नीचे तक का, और एक कच्चा लंबा सा घुटनों से ऊपर तक का पहन, ये ऐसे उनकी वेशभूषा होती, उसको जिंदा महात्मा कहते। तो जो ही कबीर साहब वहां पहुंचे उनको नमस्कार किया गुरु नानक देव को। अब श्री नानक जी की दृष्टि पड़ी साधु को देखकर भगतात्मा प्रसन्न होते, कहा आओ महात्मा जी बैठो। तो कबीर परमेश्वर ने जिंदा के महात्मा ने कहा कि महात्मा जी किसको, गुरु नानक देव को, कि मैं एक भटकी हुई आत्मा हूं और मैं सब जगह जा लिया हूं, मेरी आत्मा में भी तसल्ली नहीं हुई कि मेरा भक्ति मार्ग सही है, बेशक मैं ना मैंने हिंदू छोड़ा है कोई संत ना मुसलमान और ना ही कोई ईसाई, सबसे मेल कर लिया, लेकिन मेरी आत्मा की संतुष्टि नहीं हो पाई जो प्रक्रिया मैं कर रहा हूं, और साथ में मैंने एक रामानंद नाम के महापुरुष से उपदेश भी ले रखा है हिंदू तक, पर मेरी तसल्ली नहीं हो पाई, और आपके बारे में बहुत सुना है, आपने सच्चा सौदा भी किया उसके बारे में आपकी बहुत चर्चा चल रही है, तो मैं इसलिए आपसे अपने कल्याणार्थ आया हूँ, मुझे दया करो, मैं आपका बच्चा हूँ। तो गुरु नानक देव जी ने पूछा आप कौन हो, कहाँ से आए हो, परमेश्वर ने बताया कि मैं काशी में धानक का काम करता हूँ, जुलाया हूँ, मेरा नाम कबीर है, छोटी जाति में मैं अवतरित हूँ। अब गुरु नानक देव जी ने सोचा जो मुसलमान होकर मेरी बात को पूछना चाहता है, बहुत प्यारी आत्मा है, तो जैसा उनको ज्ञान था उन्होंने बताया कि भगवान श्री कृष्ण सर्वेश्वर और ये सारी सृष्टि के रचनहार, इन्हीं की पूजा करनी चाहिए, यही एक निरंकार, यही एक ओंकार, ये पूजा के योग्य है। कबीर साहब ने कहा कि देखो गीता जी के 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में लिखा है कि वो परमात्मा कोई और है जो गीता बोलने वाला भगवान कह रहा है, श्री कृष्ण मान लीजिए आप श्री कृष्ण मान रहे हो, तो वो कौन है गुरु नानक देव। अब इसका जवाब हमारे पास था ही नहीं, पहले भी नहीं था, और वो रोज गीता पढ़ते थे, उनको कंठस्थ याद थी ये श्लोक। और फिर आठवें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्म लोक से लेकर सारे के सारे लोक नाशवान है, और भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश भी नाशवान है या विनाशी नहीं है। आप देखिएगा देवी भागवत महापुराण का थोड़ा सा विवरण दूंगा बीच में, क्योंकि ये ऐसा जटिल ज्ञान हो गया
इसको सत ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा ही समझा जा सकेगा। ये समय समय पर ये साथ में प्रमाण मिलेंगे तो बुद्धि आत्मा पुण्य आत्मा आपके हृदय में व्यवहार समाई रहेगी जो दास कहना चाहे। इसमें गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, इसके अनुवादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार चिमन लाल गोस्वामी और गीता प्रेस गोरखपुर से ये मुद्रित है। इसके तीसरे सेकंड में सिर्फ 2 सेकंड का सत्संग है, 10 सेकंड का ये सुनाता हूं। इसमें तीनों भगवान स्वीकार करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के, हम तो नाशवान है, हमारी तो जन्म और मृत्यु होती रहती है, हम अविनाशी नहीं है। ये तीसरा सकल भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा गाते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्हें से उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर, मैं विष्णु ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है, हमारा तो आविर्भाव, आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु, हम तो जन्म और मृत्यु के अंदर है, केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, नित माने अविनाशी, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो, प्रकृति भी दुर्गा को कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। यहाँ देखिएगा भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्हें से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, और फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। इससे सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ दुर्गा शेरा वाली, और ये नाशवान है, अविनाशी नहीं है, जन्म और मृत्यु होती रहेगी। इस बात को कई संकेत दिए मालिक ने। अब एकदम ये बात सुने तो आदमी को झटका लगा, चाहे कितना ही क्यों ना अच्छी आत्मा क्यों ना हो, गई अपने ज्ञान को जब वो लगा हुआ है तो सत मानकर लगा हुआ है, और जिस दिन ये असत सामने आ जाएगा फिर तो यह बात आप सुलझ जाएगी, फिर तो मन ही नहीं कहेगा मानेगा उसको करने को। अब गुरु नानक देव जी कहने लगा कि भी बात सुन, जिंदा तो बड़ी बात बहुत करता है, मुझे तेरी बातें अच्छी नहीं लग रही है। आप ब्रह्मा विष्णु महेश को नाशवान बता रहे हो, कबीर साहब ने कहा मैं नहीं बता रहा, आपके शास्त्र बता रहे हैं। और उनकी वार्ता लगभग 2 घंटे चली, कबीर साहब ने बताया कि ये जिसको आप भगवान बता रहे हो तो कहता मैं काल हूं, 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में, और अर्जुन देख रहा है 11वें अध्याय के 20वें 21वें श्लोक में, आप तो देवताओं को भी खा रहे हो, जो आपकी पूजा करते हैं उनको भी नहीं बख्श रहे। फिर दिखाया 11वें अध्याय का 32वां श्लोक, फिर देखिए क्या कहता, मैं काल हूं अर्जुन और सबको खाने के लिए आया हूं। 11वें अध्याय का 32वां श्लोक देखिएगा नीचे, सब लोगों का नाश करने वाला मैं बधा हुआ काल हूं, ये काल है सर, देखो काल है, चलो महाकाल लिख दिया कोई बात नहीं, काल हूं और इस समय इन लोगों को खाने नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं, और प्रतिपक्ष की सेनाओं में जितने योद्धा लोग हैं आपके ना मारे से भी मर जाएंगे अर्जुन, मैं मार डालूंगा, वो तेरे बिना सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात वो तेरे युद्ध ना करने से भी सबका विनाश हो जाएगा। और इसी 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान आंखों देखा कह रहा अर्जुन, हे परमात्मा आप तो इन देवताओं को भी खा रहे हो, ओए होए होए, और ये तो आप ही की स्तुति कर रहे हैं, आप ही का भजन कर रहे हैं। 11वें अध्याय का 21वां श्लोक है ये 21वां, वे ही देवताओं के समूह आत्मा प्रवेश कर रहे हैं, आप उनको खा रहे हो और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपके नामों का गुणगान कर रहे हैं, आप ही की स्तुति कर रहे हैं, वेदों के मंत्रों से उच्चारण कर रहे हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो बख्श दो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों से उन वेदों से तेरे आपकी स्तुति करे, आप उनको भी खा रहे हो। तो ये कहता मैं तो काल हूं भाई, सबने खाऊंगा। अब कबीर साहब कहते हैं जिसको कहो तुम नंद का लाल वो कहे मैं सबका काल, कहते जिसको तुम नंदलाल कहो वो कहे मैं सबने खाऊं, ये श्री कृष्ण नहीं बोल रहे थे, ये भगवान काल बोल रहा है, ब्रह्म श्री कृष्ण में प्रवेश करके पहले दिन प्रमाण किया था आपको, और 25 प्रमाण देकर सिद्ध कर दिया था कि श्री कृष्ण जी ने गीता में एक शब्द नहीं बोला, ये तो काल बोलता रहा, उसे निकल गया जब कृष्ण जी का मुझे पता ही नहीं क्या कहा था गीता में। इन बातों ने सुनकर गुरु नानक देव जी कहने लगे, जिंदा लग तो रहे थे आप भक्तात्मा, पर आप तो विपरीत बुद्धि के व्यक्ति हो, आप भक्त नहीं हो, आप तो मुझे शिक्षा देने आए हो, लेने नहीं आए हो,
इतनी कहकर के वो नाराज होते दिखी प्यारी आत्मा, क्योंकि हम पुराने रंग पर इतने रंग से रंगे जा चुके। तो श्री भगवान परमेश्वर उठ कर कहने लगे, नाराज ना हो प्यारी आत्मा, मैं तो अपना शंका समाधान चाह रहा था, और नाराज मत हो, हम चले जाते हैं। उठकर चले गए। अब यहां परमात्मा कहते हैं, इन प्यारी आत्माओं को कैसे बताऊं, तो मेरे बच्चे हो, इस दूसरे रंग में इतने रंगे जा चुके हैं कि मेरा सिर फोड़ने न हो जा। कबीर साहब कहते हैं, सच कहो जगमार ही झूठ कही ना जाइयो, और सात ने सुनकर राजी नहीं झूठिया जगपति आई हो। झूठा पर झूठी बातों का अधूरी बातों पर विश्वास सुनिए हो बैठे, और सच्ची ने उछल उछल पड़े सुनकर, कोई बात ना समय आएगा, एक ज्ञान अब समा होगा। अरे हर बच्चे बच्चे के हर दिन ये ज्ञान होगा, वास्तविकता होगी। उसके बाद श्री गुरु नानक देव जी से पूछने लगे वहां के उपस्थित लोग, ये कौन था जो ऐसी उठपटांग बातें कर रहा था। गुरु नानक देव जी ने कहा कि काशी का रहने वाला छोटी जाति का कमीन जात का था, पता नहीं क्या क्या बक रहा था। श्री कृष्ण मुसलमान था ना, ये तो जानबूझ के कहना ही था इसने, कुछ ऐसी मन में भी आई बातें। अब परंतु अंदर में ये बात समा गई गुरु नानक देव जी के, सच्चाई 100% कति सत की सत, 100 की 100 है, लेकिन सारी रात नींद नहीं आई इस प्यारी आत्मा ने। सोचा कि उनसे तो बहुत वार्ता करनी चाहिए थी हमने, हम अपने हठ योग अठ गर्मी पढ़ा रहा हमें सत्यज्ञान होते हुए भी, और मन से प्रेरणा करे परमात्मा, हे भगवान, हे रब, एक बार फिर भेजना उस महापुरुष को, अब के मैं उसकी सारी बात सुनू। ऐसे काफी समय बीत गया, रोज तड़प करे, रोज प्रार्थना करे, जब कति पक्की चाह होगी ना उनके हृदय में, दिन फिर आगे मालिक। उसी समय जब वो वही नदी में स्नान कर रहे थे प्यारी आत्मा गुरु नानक देव जी, और एक नौकर उनके कपड़े लिए खड़ा बैठा रहता था, वो ये ना लूंगे जो कपड़े इनको पहना देंगे। उस समय वो परमेश्वर फिर पहुंचे उसी जिंदा वाले रूप में, लेकिन उस दिन केवल गुरु नानक देव जी को नजर आ रहे हैं और किसी को नहीं। और एक घंटे तक दोनों की वार्ता होती रही, और नहाने वाले सोच रहे हैं आज ये गुरु नानक देव जी आप ही आप बोल रहे हैं, क्या बात है। दूसरे कहते हैं, भगत आत्मा भाई, तो आपका कई बार अपने आप ऐसे बोलता रहता है। तब गुरु नानक देव जी ने कहा, देखो महात्मा, जिंदा तेरी बात में दम मानूंगा, जब आंखें देखो रब ने। अब ये तो देखो, पिछली बात तो आपने रिजेक्ट करी दी, और सामने आ मेरा आगे तब तक नहीं सही नहीं है, और आपकी बात पर विश्वास कैसे करूं, कोई प्रमाण नहीं। अगर आंखा देखू तो मानू, तो परमात्मा बोले भी आंखा देख लू, आंखा दिखाते आपको। क्या कहा कि वो स्नान कर ले पहले तू, कुछ ऐसा उन्होंने जो ही स्नान करने की जो डुबकी लगाई वहां से उनको एड्रेस कर दिया, और अब सतनी में जिधर से पानी आ रहा था उधर ले गए 3 किलोमीटर की दूरी पर नीचे, अब एड्रेस करके लोगों ने सोचा ये डूब गया। वहां के लोगों ने देखा कि डुबकी लगाई थी, नौकर ने शोर मचाया कि गुरु नानक देव जी डूब गए, बाहर नहीं आए, नगर में पहुंचे, राजा का सहयोग लिया, गोता खार गोर पहुंचे, उधर जाल डाल डाल कर ढूंढा, लेकिन वो ढूंढ रहे डाउन स्ट्रीम में, और वो जल ले गया स्ट्रीम में, वो ढूंढ रहे जिधर जल बह रहा था, और वो पहुंच गए दूसरी साइड में, और 1 किलोमीटर अंदर जंगल में जाकर तब परमात्मा ने कहा कि बैठ जा प्यारी आत्मा, तुझे दर्शन कराता हूँ सतलोक की सचखंड की। गुरु नानक देव जी बैठ गए, क्योंकि देखो सर्प ने मणि, भूखे ने भोजन, और भाई बांध ने पुत्र, और परमात्मा भगत ने परमात्मा ही की तलाश, उसके लिए कुछ करवा लो। जंगल में बैठ जाते ही कहा कि अब चल मेरे साथ, आत्मा निकाल ली अंदर से शरीर, जो एक अंदर शरीर झोंका तो रहता हमारा, जब तक हमें दूसरा शरीर किसी दूसरे का नहीं मिलता तब तक ऐसा ही रहेगा, ये मानव शरीर से निकले प्राणी भूत प्रेत से कुछ भी बने रहे वो ऐसे ही नजर आएंगे। तो ऐसे अंदर से वो आत्मा सूक्ष्म शरीर निकाला और ऊपर सतलोक में ले गए। ऊपर जाकर देखा कि परमेश्वर अपना दूसरे रूप में उस तख्त के ऊपर बैठा है जो 6 दिन में सृष्टि हुई थी, 7 दिन तक प्रजा विराजा, और उनका एक रोम कूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा मिला दे, इतना रोग तेज निकल रहा परमेश्वर के शरीर से। अब दूसरे रूप में वही परमात्मा जिंदा वाले महात्मा के रूप में उस प्यारी आत्मा को साथ लेकर जा रहे, और वहां जाकर के वो जिंदा वाला स्वरूप अपने दूसरे स्वरूप पर ऐसे चवर करने लगा तेजो में शरीर जो उसके ऊपर ओरिजिनल भगवान दिखा था। गुरु नानक देव जी ने सोचा रब तो ए है जेड़ा तख्त में बैठा, और कबीर तेज का कोई अनुचर होगा, यहाँ का कोई गण होना, इतना सोचा ही था। इतने वो परमात्मा का ओरिजिनल शरीर खड़ा हुआ तख्त से, और वो जिंदा वाला रूप उसके ऊपर विराजमान था, वो दानक वाला वहां बैठ गया जाकर जिंदा वाला। तो और चवर करे वो पूर्ण परमात्मा दिखाई दे रहा था जो,
अब सोच रहे थे कि ये क्या चक्कर भाई, एक गण एक देव एक नौकर के ऊपर भगवान चवर कर रहा है। इतने में वो तेजोमय शरीर उस जिंदा वाले शरीर में समा गया, चवर आकर घूम रहा ऊपर। तब गुरु नानक देव जी ने सोचा भाई ये तो भगवान ने ये था जो तेरे साथ आया। गुरु नानक देव जी को सब दिखाए क्योंकि 3 दिन और 3 रात लग गए इस पूरे प्रोसीजर में। फिर सारे ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश लोग दिखाई, काल का लोग दिखा कि ये बैठा यहाँ पर जिसको तुम एक ओंकार निरंकार बताया करते, ये आकार में है और 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को इस तपतशिला पर भून कर खाता है। और तेरे जैसी प्यारी आत्मा सतयुग में आप राजा अमरीश थे, इतनी पुण्यात्मा और राजा जनक आप तेरे तब हुए, और आप जैसी पुण्यात्मा भी बार बार चक्कर काट रही है, आम प्राणी भी बताओ यहाँ कैसे तिथि होगी इसी साधना से जिसको तुम करते करते युग बीत गए। तब गुरु नानक देव जी ने कहा कि मुझे नीचे ना भेजो भगवान, यही रख लो, वो तो बहुत बड़ा झंझट है वहां पर। तो तब परमेश्वर ने कहा ऐसे नहीं रख सकते, आपके ऊपर ऋण है उस काल का, युगों युगों का पाप और पुण्य आपके रखे, आप जाकर के ये सच्चा नाम दूंगा सतनाम तुझे, इस सतनाम के अंदर इतनी कमाई था आपकी और इससे आपकी कमाई बनेगी, लेकिन यहां नहीं दे सकता मैं इसको। मैं वहां काशी में सह शरीर वहां गया हुआ हूँ और वहां एक तानक का काम करता हूँ जुलाई का, वहां आना और जब आपको सतनाम दूंगा और तब आपकी मुक्ति होगी, जब काल से छुटकारा होगा। इतना कहकर के उस आत्मा को वापस उस शरीर में भेज दिया और 3 दिन और 3 रात बीत गए। ऐसा दादू जी को 3 दिन 3 रात बीती थी जब सत्खंड दिखा गया। ऐसे गरीबदास जी को 9-10 घंटे में वापिस छोड़ा था, उन्होंने वही गुणगान किए थे जो गुरु नानक देव जी ने किए। उधर से सब ने सोच ढूंढ ढांड के फाइनल हो गया कि वो तो मर चुके हैं, उनका तो हाहाकार मची हुई। तीसरे दिन वो उसी समय जब स्नान करने जाते थे, सैकड़ों व्यक्ति वहां स्नान कर रहे थे, वो प्यारी आत्मा वहां उपस्थित हुए। सबने पूछा कहाँ गए थे आप तो मर गए थे, तो उन्होंने कहा मरते वो हैं जो परमात्मा से दूर होते हैं। नगर में पहुंच गए, नगर में सौरभ खुशी मनाई गई, बधाई बांटी गई, मिठाई बटी, उसकी बहन और बहनोई ने गुरु नानक देव जी की पूरी खुशियां मनाई और कहा कि फिर आप जाओ अपनी नौकरी पे चले गए। जाकर के मोदी खाने का भंडार जुटा दिया सबको, 13 से आगे गिनती भूल गए, 13 करके, क्योंकि जान देख लिया सच जो सच्चा स्थान अभियान दिल नहीं लगा उस प्राणी का, चाहे कितनी चाहे उसने राष्ट्रपति बना दे तो नहीं बने वो जो सुख को देखने के उपरांत। और उसके बाद वही जिंदा वाला रूप बना के चोला पैर के सन्यासी वाला शमशान घाट पर बैठ के, क्योंकि यहाँ दम नहीं लगता उस प्राणी का जिसने वो देख लिया एक बार। अब उधर से शिकायत कर दी किसी ने कि आपके नौकर ने राजा को के सारा भंडारा लुटा दिया, खजाना खाली कर दिया। अब राजा ने उनके बहनोई श्री जयराम जी को बुलाया कि तेरी शनाखत पर मैंने इनको रखा था, तेरे सामने अकाउंट करेंगे और जो भी घाटा होगा तेरे से पूरा कर लूंगा, आप काउंट कराओ बैठ के। गिनती की तो गिनती जब की तो 760 रुपए गुरु नानक देव जी के सरकार की तरफ ज्यादा पाए। बोलो सतगुरु देव की जय। तो इस बात को राजा ने बड़ा दुख हुआ कि भगत के ऊपर मैंने डाउट किया, मेरी बहुत कमजोरी है, अक्षमा याचना करूंगा, उनको बुला कर लाओ, बुला ले। तो उन्होंने कहा कि आप नौकरी करो और आपके 760 रुपए सरकार की तरफ ज्यादा है, गुरु नानक देव आप ले लो और आप यहाँ नौकरी करो। गुरु नानक देव जी कहने लगे अब सच्ची सरकार की नौकरी करेंगे, इस कच्ची की नहीं हो सकती मेरे को, आप मेरे को संदेश मिला है उसका उसको जन जन तक पहुंचाऊंगा। वहां से वो प्यारी आत्मा काशी पहुंचे। अब भगवान कहे मैं काशी में जुलाह बनकर आया हूँ, रामानंद मेरा गुरु है, तो वो नहीं मिलेंगे तो रामानंद जी को दुनिया जानती होगी। वहां पहुंचे, रामानंद जी से मिले और रामानंद जी को भी परमात्मा कबीर साहब ने वो सचखंड दिखाया था ऐसे ही जब उनका भ्रम तोड़ा था ना, तो रामानंद जी तो इतने कट्टर ब्राह्मण थे छोटी जाति वालों के दर्शन भी नहीं करते थे। उसके बाद उन्होंने सब सीने से लगा लिया हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को रामानंद जी ने। जब रामानंद जी से मिले तो उनको सत्य कथा पता लगा कि वास्तव में परमेश्वर आए हैं लेकिन वो किसी को पता नहीं लगने देते, उसको हम कहना ये भगवान है तो नहीं दसता किसी के भगवान है, ये परमात्मा है, ये पूर्ण ब्रह्म है। तो जाकर के वो एक वहां से एक सेवक भेजा रामानंद जी ने, पहुंचे कहां जहां भगवान अपनी खड्डी में बैठे थे। जब देखी वो सकल जिंदा महात्मा के रूप में गई नदी पर वही सतलोक में, और अब एक गुनाहे के रूप में दूसरी वेशभूषा में, कहते हैं फाई सूरत मनुख की वेश, फाई क्योंकि तो वो सूरत सुंदर
और मुल्क की माने वहां को जिंदा महात्मा के रूप में और यहाँ एक धारक के रूप में विराजमान है। खाई सूरत मुल्क की वेश के ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुते बार ये धारक रूप रहा करता आख्या में पानी मेरे कह दुनिया ने आवाज लगा लगा बताओ रही ये बैठा भगवान ये खरा सियाणा ये किसी को पता नहीं लगने देता मैं प्रभु हूँ। लेकिन ये ऐसा नहीं जैसा तुम्हें नजर आ रहा है, ये बड़ा भार यानी बहुत कीमती है, ये पूर्ण परमात्मा है। अब देखो जिसने लाल की परख वही उसको सीने से लगाता है, अनजान व्यक्ति उसकी कदर नहीं करता। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222888 0541।